हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट एक्सपर्ट में। दोस्तों, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे इंटरनेशनल मुकाबला 16 मार्च को बफेलो पार्क ईस्ट लंदन के क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाना है और आज के इस वीडियो में हम इसी मुकाबले का प्रीव्यू करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बफेलो पार्क की पिच की ओर ले चलेंगे, बताएंगे कि ये पिच पहले वनडे में कैसा खेलेगी। इसके अलावा दोनों ही टीमों के टीम न्यूज की ओर देखेंगे, कौन सी प्लेइंग 11 के साथ दोनों ही टीमें जाएंगी। वेदर कंडीशन देखेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत बारिश का इंटरप्शन आ सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही मैच प्रीव्यू, मैच प्रिडिक्शन के साथ साथ एक बेहतरीन टीम 11 टीम बिल्कुल फ्री में हर बार की तरह आपको देंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, वीडियो को बिना कहीं स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल पर आल वाला बटन ऑन कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। दोस्तों, बात करें बफेलो पार्क क्रिकेट पिच के बारे में तो यहाँ पर 6 साल के लंबे समय अंतराल के बाद कोई भी एक दिवसीय मुकाबला खेला जाना है। यहाँ पर फ्रेश पिच का निर्माण हुआ है इस मुकाबले के लिए और इसकी हम बात करें एक्सपेक्टेशन की तो ये फ्रेश पिच है जहाँ पर न्यूट्रल क्रिकेट हमको देखने को मिलने की उम्मीद है, जहाँ पर अच्छी बैटिंग के साथ साथ तेज गेंदबाजी हो या स्पिन गेंदबाजी सबके लिए समान अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। हालांकि बाउंड्री थोड़ी छोटी है तो रन यहाँ पर अच्छे बन सकते हैं। वैसे कुल मिला के इस वेन्यू पर 25 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें से 13 बार पहले इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने तो 12 बार चेज करने वाली टीम ने मुकाबले जीते हैं। इस दौरान पहले इनिंग का एवरेज स्कोर 225 का तो दूसरे इनिंग का एवरेज स्कोर 194 रन का देखने को मिला है। वहीं इस वेन्यू का हाईएस्ट टोटल दक्षिण अफ्रीका के नाम है, जो बांग्लादेश के खिलाफ इस वेन्यू पे 50 ओवर में 369 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर। तो लोवेस्ट टोटल में इंग्लैंड की टीम दक्षिण अफ्रीका के सामने मात्र 115 रन बना के ऑल आउट हुई है। वहीं हाईएस्ट स्कोर चेज में श्रीलंका की टीम न्यूजीलैंड के सामने चेज करते हुए 257 रन बना के मुकाबला जीता था। तो लोएस्ट स्कोर डिफेंड में दक्षिण अफ्रीकी टीम अपने 129 रन के योग को सक्सेसफुली इंग्लैंड के खिलाफ डिफेंड करके मुकाबला जीत लिया था। दोस्तों, बात करें वेदर कंडीशन की तो पहले वनडे मैच के दौरान 16 मार्च को बफेलो पार्क में काफ़ी अच्छी खासी बारिश की हम एक्सपेक्टेशन देख रहे हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर रेन चांस मैच शुरू होने से पहले तक का है। अगर हम पूरे दिन का ओवरऑल वेदर सिनेरियो देखें तो कुल मिला के 80 से 90% तक रेन चांस दिख रहा है, लेकिन मैच जब शुरू होगा यानी कि दक्षिण अफ्रीका में जब मैच शुरू होगा वहां के लोकल टाइम जोन के अनुसार दोपहर के 1 बजे से, तब से लेके और पूरे मैच में बारिश का उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिख रहा है। शुरू के समय में यहाँ पर निश्चित तौर पर शुरुआती कम से कम 2-3 घंटे तक बारिश का यहाँ पर कुछ चांस है, इसके बाद मौसम साफ रहने की उम्मीद है। तो यहाँ पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि शुरू के समय में थोड़ा सा बारिश इफेक्ट डाले, इसके बाद खेल ऑलमोस्ट पूरा होगा ही, ऐसा इस वेदर कंडीशन के साथ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बात करें दोस्तों टीम न्यूज़ की तो जहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के लिए क्विंटन डी कॉक, रिजा हेनरिक, तंबा बबूमा, राशि वांडे ड्यूसन, ट्रिस्टन स्टब्स, एंडिल फुलवायो, वेन पर्नेल, सिसांडा मांगला, वर्जुन फार्टुइन, तबरेज शमसी और लुंगी नगीडी खेलते नजर आ सकते हैं। तो वहीं पर वेस्टइंडीज के लिए साई होप, काइल मेयर, ब्रेंडन किंग, रोस्टन चेज, निकोलस पूरन, रोबमैन पावेल, जेसन होल्डर, रोमारियो सेफोर्ट, अकील हुसैन, अल्जारी जोसेफ के साथ साथ सैनोन गैब्रियल खेलते नजर आ सकते हैं। मैच प्रिडिक्शन की बात करें दोस्तों तो दक्षिण अफ्रीकी टीम हालांकि अपने टॉप पेस गेंदबाजों की कमी में यहां पर आ रही है, यहां पर रबाडा नोकिया जैसे गेंदबाज नहीं हैं, फिर भी यहां पर स्ट्रांग है और मुकाबला जीत जाएगी। फैंटेसी टीम की दोस्तों बात करें उससे पहले आपको बताना चाहेंगे, यहाँ की टीम हमारी इनिशियल टीम होती है, फाइनल टीम हम टेलीग्राम पर सबके लिए बिल्कुल फ्री में देते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है सीधे आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर टॉस के बाद फाइनल ड्रीम 11 टीम हम टॉस और कंडीशन के अकॉर्डिंग देते हैं। फिलहाल हमने विकेटकीपर के तौर पर डी कॉक को, जबकि बैटिंग ऑप्शन में राशि वांडे ड्यूसन, तंबा बबूमा और रिजा हेनरिक को पिक किया है। ऑलराउंडर विकल्प में जेसन होल्डर, काइल मेयर और वेन पर्नेल हैं। तो गेंदबाजी डिपार्टमेंट में अल्जारी जोसेफ, लुंगी नगीडी, तबरेज शमसी के साथ साथ अकील हुसैन को पिक किया है। फिलहाल दोस्तों हमने
जेसन होल्डर को अपना कैप्टन पिक किया है, क्योंकि खासकर पहले गेंदबाजी करने की सूरत में कई बार ऐसा देखा जा रहा है पिछले कुछ समय से कि जेसन होल्डर को डेथ ओवर की गेंदबाजी मिलती है, साथ ही अच्छे बल्लेबाज हैं। जबकि वाइस कैप्टन के रूप में फिलहाल राशि वांडे ड्यूसन को पिक किया है। टॉस के बाद हम अपने टेलीग्राम के चैनल पर फाइनल टीम देंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।